चुप हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर जान और सनम के बीच में, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, समझ गए आप? आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। सनम मैं नीचे जा रही हूँ, तुम ध्यान से बिना गलती किए काम करना, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ, तुम बिल्कुल मेरी तरह काम करना, समझी? तुम किसी को गलती का मौका मत देना। मैं चाय ले लेती हूँ। सनम, आई नो यू कैन डू इट। ठीक है लैला। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ जी, तुम लोगों को मैं कितनी देर से कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग पागलों की तरह बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो। यकीन करो ना मेरा, प्लीज। नहीं कल जो तुम लोगों ने सुना वो सब मेरी मन की बनाई हुई कहानी थी, यकीन करो। नहीं बताओ क्या लिखना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? आई एम फाइन टू। नहीं दोस्तों, आप सब खत्म कीजिए प्लीज प्लीज। अरे यार, नहीं मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप जाइए, शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है, आइए एक एक करके पूछिए। हां वो उसको क्या पूछना है मैं बता देता हूं। क्या क्लियर करो सब, स्टार्टिंग से बताओ। बढ़िया सवाल, सब ताली बजाओ। मुझे चाय मिलेगी? ऑफ कोर्स, ये लीजिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, आती हूँ। हाँ तो बात ऐसी है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, और क्या पूछोगे? अरे क्या हो गया ऐसे? What's up, Darren? मिस्टर जान, कल जब आप गायब हो गए थे, सनम क्या तुम बाहर जाओगी? कल हमने मिस्टर फबरी से बात करके वो सारे जॉब्स ले ली, सारे कैंपेन्स का काम अब हम संभालेंगे। मुझे वो काम नहीं करना है, तुम कैंसिल कर दो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, आप कल सबको अचानक से छोड़ के? डैरन, देखो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ऐसे काम को लेकर। मैंने कहा ना वो अच्छा इंसान नहीं है, आई डोंट लाइक हिम, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। मिस्टर जान, आई रियली कांट बिलीव दिस। मिस्टर जान, यहाँ मिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, हम टर्की की नंबर वन एजेंसी बन गए हैं, और आप ये कह रहे हो? No problem. I don't care. हम क्या अभी तक फैब्रिक के पैसों पर पल रहे थे? मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक का कॉल आया था, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं गुलेजो ने मना कर दो, I don't want to see him. मिस्टर जान, ये सब उस सनम की वजह से हो रहा है ना? आई कांट बिलीव ऑल दिस। आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को मिस्टर फैब्रिक के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डैरन स्टॉप दिस नॉनसेंस, सनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जान, इस कैंपेन के साथ इस कंपनी का फ्यूचर कनेक्टेड है, हम नए डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इंक्रीमेंट भी मिलेगी, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, आपके फैसले से यहाँ पर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की लाइफ कनेक्टेड है। और आप ये बात जानते हो ना, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, अगर मिस्टर अजीज यहाँ होते तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। यस, यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर जॉन, मिस्टर फैब्री यहाँ आ चुके हैं। ऑल राइट, उन्हें अंदर भेज दो। नहीं आप रुक जाइए। मिस्टर जॉन, आप सबसे पहले जेजे से जाकर आप बात कर लो प्लीज। गुलिस, तुम मिस्टर फैब्री को बिजी रखो, ठीक है? ठीक है, क्या मैं अपनी चाय पी सकता हूँ? जी जी। नहीं ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी ऐड करो। सैलरी मिल रही है ना? जी जी। हाँ बोलो। मिस्टर जान मिलना चाहते हैं। जी जी एक मिनट रुक जाओ, इस तरह कायर की तरह मत भागो और जाकर बात करो। चुप जी जी, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मिस्टर जान, वो मैंने एक छोटा सा मासूम झूठ बोला था, मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए मिस्टर फैब्री से कहा कि आप सनम से बहुत प्यार करते हैं, आप थोड़े से जेलस हो गए, आप और सनम ठीक है, मुझे जाने दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? जी जी मिस्टर जान, हेलो, क्या बात है? हेलो, अगर आप फ्री है तो कुछ बात कर सकता हूँ मैं आपसे? ऑफ कोर्स, मेरे केबिन में चल के बात करते हैं। चलिए चलिए। मैंने कहा था ना तुम्हें उन्हें बिजी रखने के लिए, तुमने ये क्या किया? मैं कैसे उन्हें बिजी रखती? यकीन नहीं होता बेवकूफ। गुलेस, जेजे कहाँ चला गया, क्या बात है? माय डियर सनीम, आज का फ्रेश टॉपिक तुम हो, जेजे ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला। लेकिन
क्या बोला? ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो पूरी नाइट मिस्टर जान के साथ ही ना, पूरी ऑफिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम और मिस्टर जान दोनों एंगेज्ड हो, पूरा ऑफिस जानता है, और वहाँ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड भी है, मिस पॉलिन। पता नहीं तुम्हें? मिस्टर जान की? मिस पॉलिन, उनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। वो दोनों कई सालों से एक साथ है, वो अब्रॉड रहती है, तुमने देखा नहीं? सब लोग उसके बारे में जानते हैं। वो 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी में भी तो आई थी। कैन यू बिलीव दिस? वो सिर्फ एक पार्टी के लिए आई थी। नहीं, मैंने नहीं देखा। हमने तुम्हारे फियांसे को भी तो नहीं देखा अभी तक। तुम्हें देखना चाहिए उन्हें। पता है मिस्टर अजीज उनकी बहुत तारीफ करते हैं, वो दोनों। क्या हुआ, बात करते करते कहाँ जा रही हो तुम? जाने दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वो तुमसे ज्यादा आई मीन वो हमारे एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव किसी हाल में बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ क्यों खेल रहे थे मिस्टर जान? अब देखो ये खिलौना क्या करता है।